हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सोया पालक के कटलेट बनाएंगे। इन्हें हम सुबह के नाश्ते और इवनिंग स्नैक्स के लिए बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कप पालक, इसको मैंने धोकर काट लिया है, और 1 कप सोया ग्रैनुअल्स, या इसको आप सोयाबीन का चूरा भी कह सकते हैं, 2 ब्रेड क्रम्स और 2 टीस्पून मैदा जिसको मैंने घोल लिया है, और 2 हरी मिर्ची और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 उबले हुए आलू। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पालक को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, भूनकर इसको थोड़ा सा मुश्किल से 5 मिनट के लिए, इसका रॉनेस निकालने के लिए हल्का सा धीमी आंच पर भुनेंगे। हमारा पालक देखिए तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, और यहाँ मैंने अपने आलू भी मैश कर लिए हैं अच्छे से, और अब हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे आलूओं में, सोयाबीन, पालक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, हरी मिर्ची, एवरीथिंग, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके आप अपने जैसे भी आपको शेप्स पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी शेप बना लीजिए। देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाले भी डाल सकते हैं, और बस एक पैन में हीट करते हैं ऑयल। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ शैलो फ्राई कर रही हूँ और कुछ को मैं डीप फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ पर इनको कटलेट्स का शेप दे दूँगी। आप इनको अगर बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप इनको कुकी कटर से काट कर कोई भी शेप दे सकते हैं, उसमें बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं। मैं यहाँ को इन कटलेट्स को ऐसा शेप दे रही हूँ, और कुछ को मैं राउंड शेप दे रही हूँ। तो देखिए हमारे कटलेट्स ये मैंने सब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जो हमने मैदे का घोल लिया था उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और एक एक कटलेट को लेकर इस मैदे के घोल में डिप करेंगे, और फिर उसको ब्रेड क्रम्स में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं इसको डिप कर रही हूँ मैदे के घोल में, और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डाल रही हूँ, इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और बनेंगे। अब हम इनको शैलो फ्राई करने के लिए रख देंगे। ऐसे ही मैं सारे कटलेट्स को कर लूँगी। ये देखिए हमारे कटलेट्स शैलो फ्राई हो रहे हैं धीरे धीरे, और इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक बनाएंगे। इनको आप बीच बीच में पलटते रहिए, नहीं तो ये एक साइड से ज़्यादा डार्क ब्राउन होके जल जाएंगे। और ये वाले मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, सेम ऐसे ही मैंने किया, बस इनको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे कटलेट्स तैयार हैं। आप इनको चिली सॉस, टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, और इवनिंग स्नैक्स, मॉर्निंग में आप इनको खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।